गोरखपुर में रेलवे रोडवेज बस स्टेशन यातायाती रहा। गोलघर में पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 984 वाहनों का चालान काटा और जुर्माना वसूला। आपको बता दें, एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद व एसपी मानुष पारीक की अगुवाई में अभियान चलाया गया। कैंट पुलिस बल व यातायात पुलिस के साथ रेलवे रोडवेज बस स्टेशन व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से अतिक्रमण हटवाया गया। साथ ही रेलवे रोडवेज बस स्टेशन पर खड़ी बसों को सुनियोजित तरीके से कतार में खड़ी करने का व रुकने की जगहों को चिन्हित करने के संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया। एसपी ट्रैफिक की अगुवाई में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 984 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई तथा 40 ऑटो रिक्शा ई रिक्शा सीज किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना डॉक्टर साहब? अपने दोस्तों मित्रों के ग्रुप मत बनाओ, बताओ बिना ड्राइविंग लाइसेंस के शहर में मत चलो। कहाँ है? क्या फोटो है?